This game involves an element of financial risk and may be addicted. Please play responsibly and तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरे चैनल परीक्षण गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेट विनर के विड्रॉवल इशू की। विनर दोस्तों एक फैंटेसी एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप गेम प्ले करके अर्निंग कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इसमें क्रिकेट पे प्रेडिक्शन करके भी अर्निंग कर सकते हो। गेम में छोटे मोटे गेम्स हैं जैसे कि फ्रूट कटर, चेस, लूडो, ये सब आप इसमें प्ले करके अर्निंग कर सकते हो। और कुछ तीन पट्टी टाइप की है, आप वो सब देख लेना, आके रमी टाइप की है। और क्रिकेट हम प्ले करते हैं, सो क्रिकेट प्ले करके हम अर्निंग करते हैं। पर दोस्तों अगर आप अर्निंग करोगे तो मेरा मानना है कि कभी ना कभी आपको विड्रॉवल इशू आएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है तो विड्रॉवल इशू आएगी। तो मैं इस वीडियो में आपका वो विड्रॉवल प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जितने सारे विड्रॉवल प्रॉब्लम आते हैं इस एप्लीकेशन में मैं सब उठाऊंगा इस वीडियो में और एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या विड्रॉवल इशू आपको आ सकते हैं या फिर फ्यूचर में आएंगे। अगर नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से विड्रॉवल ले सकते हो। और अगर आप एक न्यू यूजर हो तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है कि आपको कभी भी विड्रॉवल प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने जो ट्यूटोरियल की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि वेट विनर को कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें प्ले करते हैं, सो उसी के कमेंट में मुझे कुछ कमेंट आई है जिसमें विड्रॉवल रिलेटेड कुछ इशू आए हैं। और दोस्तों इशू आते हैं क्योंकि ये एक टेक्निकल गेम है, तो कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी अर्निंग एप्लीकेशन हो उसमें आपको कभी ना कभी विड्रॉवल इशू आएंगे ही आएंगे, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। सो मेरे अकॉर्डिंग विड्रॉवल इशू क्या क्या है पहले आप वो समझ लो। और अधिकतर दोस्तों एक ही विड्रॉवल इशू होता है, चाहे कोई भी इशू हो तो एक ही चीज लिखा हुआ आपको आएगा, मतलब कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आपका विड्रॉवल कैंसिल किया गया हो, लिखा हुआ एक ही चीज आएगा, कैंसिल बाय द ऑपरेटर या फिर कैंसिल ऑर्डर 9, पेमेंट डिनाइड बाय द ऑपरेटर, कैंसिल ऑर्डर 9। अगर आपको यही लिखा हुआ आ रहा है तो आप इस वीडियो पे रहिए, हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कन्फर्म बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो मेरा विड्रॉवल आ चुका है, ओरिजिनल है तो मेरा विड्रॉवल आ चुका है। अब आप वीडियो पूरा देखो, आपका भी विड्रॉवल आ जाएगा, अब बेफिक्र रहो। सो एक ये हो गई। और अब इसके अंदर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है सो मैं आपको बताता हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ कि जो यूजर ने फेस किया है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आप टेंशन मत लो। ब्रदर, विड्रॉवल किया गया पैसा कब तक अकाउंट में आ जाता है? ओके, सो अगर आप विड्रॉवल करते हो तो आपका पैसा करीबन 2 आवर से लेके 24 आवर के अंदर में आ जाता है। अलग अलग वॉलेट पे अलग अलग टाइम्स है, जैसे कि 350+ वॉलेट है, किसी में 1 सेकंड में आ जाता है, किसी में 1 घंटा लगता है, किसी में 2 घंटा लगते हैं। सर मेरा विड्रॉवल नहीं हो रहा है तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसका क्या होगा। प्रो माई अमाउंट विड्रॉवल प्रॉब्लम रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट। सो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम के बारे में एक बताया गया, तो दोस्तों आपको एक विड्रॉवल इशू में एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाती है। लिखा हुआ तो वही आएगा, नोटिफिकेशन में आपको वही शो होगा, कैंसिल बाय ऑपरेटर ऑर्डर 9। अगर आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करोगे सर मेरा पेमेंट क्यों कैंसिल किया गया, तो कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम शो होगी, कहा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से आपका पेमेंट कैंसिल किया गया है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लो कि ये कब होता है कि कोई न्यू यूजर आया, मतलब कि मैंने ज्वाइन किया, आज ही ज्वाइन किया और आज ज्वाइन किया और 500 मैंने डिपॉजिट किया था और 500 से मैंने 10,000 जीत लिया, मतलब कि 500 से 10,000 कितना गुना हो गया, 11-12 गुना हो गया। तो इस सिचुएशन में कंपनी को शक होता है कि भाई ये बंदा कहीं फेक तो नहीं है, कहीं हैक नहीं किया कुछ, मतलब कि कंपनी को शक होता है, तो वो आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगती है। अब देखो डॉक्यूमेंट में आपको देना क्या है, आधार कार्ड का कॉपी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कभी कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कि आपने आधार कार्ड दे दिया तो अब सामने से मैसेज आएगा कि प्लीज सेंड क्लियर इमेज, मतलब क्लियर इमेज भेजिए। तो दोस्तों उनका कहने का मतलब सिंपल से ये रहता है कि हमें ये कटा हुआ नहीं चाहिए, मतलब कि हमारा जो आधार कार्ड होता है उसमें क्या होगा कि हम उसका जेरोक्स करवा लेते हैं आगे पीछे करके, बट वो जो ओरिजिनल जो होता है जो ऑनलाइन से निकलता है, तो ओरिजिनल जो होता है एक ही पेज में दोनों को, वो वाला आपसे मांगते हैं। दोस्तों ऑनलाइन निकाल के आप भेज दो प्रॉब्लम, और ऑनलाइन निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप यूट्यूब पे जाकर एक दो वीडियो देख लेना, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी और आप अपना आधार कार्ड का एक कॉपी निकाल लोगे खुद ही, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है उसका भेज देना, आधार कार्ड में बस प्रॉब्लम आएगी, ड्राइविंग लाइसेंस भेज दोगे तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम निशु, नाउ पुट विड्रॉवल अमाउंट इज शोइंग हियर, यू रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। सो मैंने यही आपको थोड़ा पहले बताया था,
ओके सो 7 दिन में 3 टाइम विड्रॉवल रिजेक्ट हो चुका है आफ्टर 48 आवर्स ट्राइड IMPS उसमें एरर आ रहा है व्हाट टू डू भाई। सो ये प्रॉब्लम दोस्तों इम्पोर्टेंट है और इसी प्रॉब्लम पे मैं वीडियो बनाने वाला था बट अचानक से मुझे आया कि मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ। तो यही है कि आपका अगर पेमेंट कैंसिल हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो पुराने यूजर फेस करते हैं, नए यूजर नहीं। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है कि आपने पेमेंट लगाया और आपका पेमेंट कैंसिल हो गया। कैंसिल किसने किया? कंपनी ने किया। ओके कैंसिल बाय ऑर्डर 9 या फिर कैंसिल बाय पेमेंट कैंसिल बाय ऑपरेटर, ये आपको शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा बार पेमेंट लगाना है, दूसरा बार भी कैंसिल हो गया नहीं हुआ, सेम वही लिखा हुआ आएगा कैंसिल बाय ऑपरेटर ऑर्डर 9। फिर आपको क्या करना है, दोबारा तिवारा लगाना है और आपने तिवारा भी फेल हो गया, जैसे कि इस भाई का मैंने कमेंट पढ़ा है उसका 3 बार फेल हुआ है, तिवारा भी लगाना। ओके तो तिवारा भी लगाना है दोस्तों। अब देखो जिस बंदा का 3 बार फेल हुआ और 3 बार उसने कमेंट किया, चौथा बार क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी का भी अगर 1 बार 2 बार 3 बार फेल हुआ है तो 4th बार में उसका पेमेंट आ जाता है। ओके सो पेमेंट आ जाता है मतलब कि आपको हार नहीं मानना है। अगर आपका 3 बार फेल हुआ है तो 3 बार में अगर हुआ है तो चलो 4th बार भी लगा लो। हाँ टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगी, 24 आवर के बाद अगर रिजेक्ट होगा तो 24 आवर के बाद पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी तो आपके काम में आ जाएंगे। ओके सो इस सिचुएशन में आपको 4th बार भी लगा देना। अब दोस्तों 4th बार भी आपने लगा दिया तो यार अब तो सीमा हद सब पार हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब अपना वॉलेट चेंज करना है, मतलब कि पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे बहुत सारे, किसी अनदर वॉलेट से आप विड्रॉवल कर लो, उससे आपका पेमेंट आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम शो नहीं होगी। तो भैया ये जो 1 बार 2 बार 3 बार ये पेमेंट हमें पेमेंट प्रॉब्लम हमें फेस क्यों करना पड़ता है? सो सिंपल सा वर्ड में आप ये समझो कि 350 प्लस वॉलेट है और 350 प्लस वॉलेट का अलग अलग बंदा पैसा ट्रांसफर करता है। मान लो कि एक पेटीएम का जो विड्रॉवल मैं ट्रांसफर करता हूँ, आप एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर आपने विड्रॉवल लगाया और उसको मुझे ट्रांसफर करना है, तो यार मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी बैंक लिमिट है। मान लो कि मेरा बैंक का लिमिट 1 दिन का 2 लाख रुपये है, मैं 1 दिन में 2 लाख रुपये ही विड्रॉवल दे सकता हूँ किसी को। ओके सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने तो मेरा 2 लाख का विड्रॉवल का लिमिट खत्म हो गया है। ओके और आपने जब लिमिट विड्रॉवल लगाया तो मेरा लिमिट खत्म हो चुका है और उसलिए मैंने क्या किया, आपका पेमेंट को कैंसिल कर दिया। सो दोस्तों यहाँ पे अब आप यही समझो कि भैया मैंने कैंसिल कर दिया। फिर आपने अगला दिन लगाया, सो अगला दिन होगा क्या कि किसी अनदर, मतलब कि हर डे एक पेमेंट करने वाला तो होगा नहीं, तो उस दिन कोई और बंदा पेमेंट कर रहा है और उसने क्या देखा कि इसका पहले पेमेंट रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है वो नहीं सोचेगा, वो आपका पेमेंट रिजेक्ट कर देगा। ये जो दोस्तों फैक्ट है जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ यही होता है। तो फिर तीसरा दिन में आप फिर पेमेंट लगाओगे तो उस दिन भी आपका पेमेंट वो बंदा रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सेम देखेगा वही प्रॉब्लम है कि इससे पहले दोबारा रिजेक्ट हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको एक प्यारा सा मेल कंपनी को ड्रॉप कर देना है कि सर मैंने 3 बार ट्राई किया, 3 बार हमारा रिजेक्ट हो गया। और अगर आप ये मेल वाला नहीं करना चाहते हो तो 4th बार जब आप पेमेंट लगाओ तो अपना वॉलेट चेंज करो। वॉलेट चेंज क्यों करो, क्योंकि आपने अगर पेटीएम से विड्रॉवल लगाया था तो पेटीएम वाला चेक करेगा कि भाई इसमें 3 बार रिजेक्ट हुआ, 4th बार अगर आप गूगल पे से या फिर फोन पे से लगा देते हो तो आपका पेमेंट आ जाएगा 100% गारंटी। अगर ये ट्रिक करो नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करो कि सर ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, तो जो आप बोलोगे सर। ओके और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे आपको हमेशा मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। विड्रॉवल रिलेटेड इशू भी अगर मेरे मुझसे जितना होने वाला होता है मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। सो दोस्तों यही इसका जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विड्रॉवल का, जो कि एक न्यू यूजर और पुराना यूजर दोनों फेस कर लेते हैं, जिसमें कंपनी रिजेक्ट कर देती है। कंपनी रिजेक्ट इसलिए करती है क्योंकि उसका लिमिट खत्म हो जाता है, सिंपल वर्ड में लिमिट खत्म हो गया तो उसने रिजेक्ट कर दिया और लिमिट है तो आपका विड्रॉवल मिल जाता है। अब दोस्तों देखो कि एक चीज आपको ये सोचने वाली बात है कि एक स्क्रेल नेटेलर अगर आप इस दोनों में पेमेंट लेते हो तो आपको कभी भी ये विड्रॉवल प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा दोस्तों, लिख के ले लो कभी नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, आपने विड्रॉवल लगाया 5 से 10 मिनट के अंदर आपके स्क्रेल या फिर नेटेलर वॉलेट में आपका पेमेंट पहुंच जाएगा। ये जो प्रॉब्लम होती है ये सब हमारे इंडिया के वॉलेट में ही आती है बस, बाकी ये सब एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, जेन्युइन स्टेप, आप इसमें ज्वाइन कीजिए, पे कीजिए। ओके और भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉमेंट कीजिए।